हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं जितने भी टेट होते हैं इंडिया में, जैसे सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट भी है यहाँ पर, और वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र है और जहाँ पर टेट के जो एग्जाम होते हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए, उन पेपरों में अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हुए मैथ्स के, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब बैक टू बैक आपके लेक्चर आते रहेंगे, जैसे कि ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इसमें हम मैक्सिमम मैथ्स के ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते हम ये बोल सकते हैं कि बाकी लेक्चर हमारे नहीं आ पा रहे थे, टाइपिंग नहीं हो पा रही थी। तो हम चाह रहे हैं कि जब तक ये सारी चीज़ें चल रही है, जब तक हम मैथ्स का ही पूरा सिलेबस आपका करा दें, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। तो यार, इस लेक्चर में हम देखेंगे और कोशिश करें कि हर क्वेश्चन को आप देखें तो पहले खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो इससे आपका धीरे धीरे नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपको चीज़ें बन रही है नहीं बन रही है वो भी आपको चीज़ें समझ में आएगी। 20 से 25 क्वेश्चन हर लेक्चर में हो सकते हैं, मतलब 30 मिनट समथिंग का हम लेक्चर देंगे। इससे ज्यादा बड़ा भी नहीं ना, इससे ज्यादा छोटा भी नहीं। तो आइए यार लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कोशिश करिए कि खुद से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, और अंत तक देखोगे तो आपके सारे डाउट अभी तक जो होंगे वो भी हम क्लियर करते चलेंगे, और जितनी एक्स्ट्रा चीजें हो सकती है वो सारी चीजें भी बताते चलेंगे। ठीक है, तो आइए यार लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन हमने 48वें नंबर से लिया है यहाँ, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन थे हमारे पास वो यहाँ से नहीं थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में चार अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। मतलब यार, जो चार अंक वाली जो संख्या होती है वो टोटल कितनी संख्याएं हैं वो पूछा है। तो यार, आप तो सबसे पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद जब देखोगे तो कुछ इस प्रकार से देखो। यार चार अंक की बात करें तो चार अंक की सबसे अगर छोटी संख्या की मैं बात करूं, ठीक है, यहीं पे सॉल्यूशन भी लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो वो हो जाएगी क्या, 1000। और सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात कर लें कि जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 × 9। ठीक है, मतलब चार अंकों की टोटल सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस कर दूं तो इनके बीच जितनी संख्या है वो निकल जाएगी, मतलब इनके बीच, ठीक है, तो इनके बीच अगर मैं टोटल संख्या देखूं तो 4 × 9 में से माइनस कर दे कितना, 1000, समझना। तो यार 1 9 में से मतलब 9 9 9 और यहां कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, परंतु फाइनली आंसर ये नहीं है। अब देखो यहां पर हमने 9999 में से 1000 माइनस कर दिया है, मतलब खुद 1000 भी माइनस हुआ है। मतलब इसमें जो संख्याएं हैं 8999 में जो चार अंकों की संख्या होगी, इसमें स्टार्टिंग संख्या क्या होगी आपकी, 1000 एक से स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, इसलिए हम इसमें एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हम 1000 इसमें से माइनस कर चुके थे। जब 1000 इसमें हम जोड़ेंगे तो हमें फाइनली जब मिल रहा होगा, एक जोड़ेंगे तो यार ये टोटल आ जाएगा 9000, मतलब टोटल 9000 संख्या है चार अंकों की, जो हिंदी और अरबी संख्यांकन पद्धति है इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। आई होप आप सारी चीजें समझे होंगे कि हमने इसे सॉल्व कैसे करा, फिर भी चाहो तो आप एक बार और अपने स्तर पर ट्राई से कर सकते हैं। वहीं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है यहां पर कि ये जो संख्या है, ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाएगा। तो देख लो, पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000 और लाख है, मतलब इसको पढ़ेंगे क्या, 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख एक ये ऑप्शन में है और एक ये ऑप्शन में, 4 लाख और कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7000, ठीक है, 4 लाख और फिर उसके बाद 7928, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर कि 4,07,928 होगा, ठीक है। और ये आया था 2011 के पेपर में, ठीक है, जून 2011 में जो पेपर हुआ था टेट का, सी टेट का, उसमें आया था, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यार, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, और अच्छा खासा क्वेश्चन है ये भी, अगर हम इसे देखें तो इसका सॉल्यूशन यार थोड़ा हम ऊपर ले लेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर जैसे कि दे रखा है आपको कि यदि एक ऑपरेटर, ठीक है, ये जो आपको सिंबल दे रखा है, ये वाला सिंबल, ठीक है, एक ऑपरेटर, इस सिंबल को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए। तो यार चीजें समझना, पहले यहां पर लिखा है 4 और ये सिंबल बना है, ठीक है, और उसके बाद लिखा है 3, इसका ये मतलब है कि ये संख्या से संख्या स्टार्ट हो रही है 4 से, और कहां तक बढ़ रहे हैं हम, 3 अंक आगे तक बढ़ रहे हैं, मतलब 4 के बाद क्या जाएगा, 5, और 5 के बाद क्या जाएगा, 6। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे, परंतु इसी में एक अन्य प्रकार से मैं इसी को समझाना चाहूं तो ऐसा कुछ बोल सकते कि इस सिंबल और यहाँ 3 लिखा है, तो पहले तो ये संख्या जा रही है 4, और 4 के बाद अगली संख्या है ना, 4+1 हो रहा है, फिर उसके बाद 4+2
टू हो रहा है। तो देखो चार में जब दो जोड़ेंगे तब छह बना, चार में एक जोड़ेंगे तब पांच बना, और चार का चार है। वैसे उसने बोला है कि एन और ये सिंबॉल एट का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पर है एन और ये सिंबॉल है, और उसके बाद क्या है हमारे पास एट है, मतलब इसको सबसे पहले तो एन लिखेंगे, फिर अगली संख्या क्या जाएगी एन प्लस वन, फिर अगली संख्या क्या जाएगी एन प्लस टू, फिर अगली संख्या एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव, एन प्लस सिक्स और एन प्लस सेवन। तो देखो यार ये एन रिपीट हुआ है कितने बार, आठ बार, और टोटल एक एक अंक आगे बढ़ते हैं, तो ये एन को अगर हम जोड़ेंगे तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो आठ एन हो गया। अब इनको जोड़ देंगे तो देखो यार एक और दो कितना तीन, तीन और तीन छः, छः और चार दस, दस और पाँच पंद्रह, पंद्रह और छः इक्कीस, इक्कीस और सात हो जाएगा अट्ठाईस, मतलब आठ एन प्लस 28। फाइनली इस n और इस सिंबल 8 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब 8n प्लस कितना 28, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो यार कुछ इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ठीक है। और ये आया था 2011 का सेट पेपर का ये क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर। तो देखो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अभी तक हमने इकाई का अंक निकालना सीखा होगा, परंतु यहाँ पर कुछ अलग ही पूछा है कि 3759 गुणा 9573 गुणनफल में दाही अंक, ठीक है, दाही अंक अंक और इकाई अंक का योगफल कितना है। तो देखो यार इनका जब गुणा करेंगे तो एक दाही अंक आएगा और एक इकाई अंक आएगा, उन दोनों का क्या पूछा है योग। तो चीजें अगर मैं एक चीज यहां बताऊं तो देखो यार मैं अगर एक संख्या है मेरे पास, मान लो मैं यहां ले लेता हूं 13 गुणा 15। चीजें समझना जो बताना चाह रहा हूं, चाहो आपको बहुत ज्यादा ये यूजेबल हो जाएगा। तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना यार 15, मतलब इकाई का इकाई में गुणा करते हैं तो इकाई का अंक हमें मिलता है। परंतु अगर मैं 13 का गुणा 55 में कर दूं, देखो 13 गुणा अगर 15 में कर दूं तो 13 पंचे 65 का 5 बचेगा कितना 6, और 13 एकम 13, 13 और 6 कितना जाएगा 19। तो यार जब दो अंक इकाई के दो अंक का जब गुणा करते हैं तो इकाई के हमें दो अंक मिल जाते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो यहां इकाई के अंक दो अंक 95 हो रहा है। परंतु अगर हम अपने क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार कि यहां पर इकाई के अंक कितना है 59, ठीक है, और इसमें इकाई के दो अंक कितने हैं 73। तो मैंने ये बोला कि इकाई के दो अंकों का इकाई के दो अंकों में अगर गुणा करेंगे तो इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें मिल जाता है। तो यार 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 तीय 27 का 7 बचेगा कितना 2, 5 तीय 15, 16 और 17 और 9 7 63। जब इनको जोड़ेंगे तो यार 7 और 3 10 का 0 बचेगा कितना 1, 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, मतलब यहां जाएगा 0। तो देखो यार इकाई का अंक जब इन दोनों संख्या का आप गुणा करोगे 3759 और 9573 का, तो इकाई का अंक आएगा 7 और दहाई का अंक आएगा 0। चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इन दोनों अंकों का योग पूछा है, मतलब 0 प्लस 7 का, तो फाइनली आएगा आंसर कितना 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं हम। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 52 कुछ इस प्रकार है कि 2:58 शाम के हैं, ठीक है, सायं से 4:59 पहले क्या समय था, ठीक है, मतलब 4:59 पहले का हमें समय याद करना है। तो यार इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास है, ये बोल सकते हैं कि 2:58 में से माइनस करना है कितना 4 घंटे, क्योंकि 4 घंटे पीछे जाना है, 4:59 क्या करना है माइनस करना है। तो चीजें एक चीज समझना यार, यहाँ पर टोटल 2 बजा है, अगर मैं 1 घंटे पूरा 58 को दे दूं तो 1 घंटे दूंगा तो टोटल कितने मिनट 58 के पास हो जाएंगे, 60 मिनट पहुंच जाएंगे, मतलब हम इसको ये समय बोल सकते हैं कि 1:60 इसमें अगर जोड़ें तो आ जाएगा 8 और 5 और 6 कितना आ जाएगा 11, मतलब एक घंटे और 118 मिनट। इसमें से माइनस करना है 4 और कितना 59, तो सबसे पहले तो यार मिनट मिनट को माइनस कर दो क्योंकि उतने समय पहले जाना है। तो 18 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है, मतलब यहाँ लिख देते इधर नीचे, जब एक उधार लेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9, अब यहाँ बचा कितना 10 में से 5 जाएगा तो 5, मतलब जो मिनट वाला समय आ रहा होगा वो 59 आ रहा होगा, ठीक है।
अब यहाँ चारों ऑप्शन में अगर देखें तो देखो 59 मिनट एक तो पहले ऑप्शन में है और एक तीसरे ऑप्शन में, या तो पहला आंसर होगा या तो तीसरा होगा, परंतु यहाँ दोनों ऑप्शन सेम ही है इसीलिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यार इस प्रकार के जो आपको टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कुछ इस प्रकार से आते हैं। अगला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 53वां है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है यार कि 19,000, ठीक है, 19 सैकड़े और 19 इकाई के बराबर है। ठीक है, तो चीजें समझो यार यहाँ। तो इनने बोला देखो 19,000, ठीक है, 19,000 को अगर हम लिखेंगे तो 19 और हजार मतलब किसका, 1,000 का अगर हम इसमें गुणा कर दे तो 19,000 बन जाएगा। 19 सैकड़ा मतलब 19 गुणे सैकड़ा का मतलब किसका गुणा कर दें, 100 का, और 19 इकाई मतलब 19, और इकाई का अंक हम क्या मानते हैं तो 1 मानते हैं। जब गुणा करेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 19,000, ये आ जाएगा टोटल कितना 1900, और यह आ जाएगा कितना 19। फाइनली इन सबको जोड़ना है और इन सबको हम जोड़ेंगे तो देखो 9 और 0 तो यह आ जाएगा कितना 9, मतलब इकाई का अंक 9 आ रहा है, फिर 1 और 0 0, और यहाँ कितना जाएगा 1। अब उसके बाद जोड़ेंगे तो 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इस प्रकार का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 1 और 9 जोड़ेगा तो 10, 10 का कितना सुन बचेगा कितना 1, और 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, मतलब जो आपका आंसर आ रहा होगा 20919 आ रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आप कोई भी टेट एग्जाम दे रहे हो, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 54वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि 1/2 में कितने 1/8 है। तो यार इसको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उसने बोला कि 1/2 में कितने 1/8 है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि x 1/8 है। ठीक है, मतलब ये तो 1/2 में x का गुणा करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। उसने बोला कि 1/2 में कितने 1/8 है, तो x हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 में x 1/8 है। तो जब 1/2 में x का गुणा करेंगे तो 1/8 आएगा, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर x की वैल्यू तो आपको दिख रही होगी कि आ रहा है यार 1/4, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x का मान यहाँ पर 1/4 आया ना, हम इसको x की वैल्यू 4 मानते हुए चलते हैं, मतलब बटे में जो वैल्यू आती है हम ये बोल सकते हैं कि इतने 1/8 है 1/2 में। या फिर दूसरे तरीके से अगर हम करें जिसको आप जानते होंगे कि 1/2 में कितने 1/8 है, तो हम जब इसमें 1/8 का भाग देते हैं तो हमारा फाइनली आंसर आता है, मतलब 1/2 गुणा कितना पलटाएंगे तो 8/1, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 में कितने 1/8 है, तो जितने पूछे जाते हैं उससे भाग दे देते हैं, तो फाइनली जो आंसर आता है वही होता है राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 में कितने 1/8 है, तो 4 1/8 है, मतलब 1/2 को 1/8 में 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कुछ अच्छा सा दे रखा है यहाँ पर, नीचे दी गए पैटर्न का पैटर्न पर ध्यान दीजिए। तो बोल रहा है कि 1 में जब 1 का गुणा करते हैं तो 1 आता है यार। ठीक है, समझना, जब 1 में 1 का गुणा करते हैं तो 1 आता है, 11 में जब 11 का गुणा करते हैं तो 121, और 111 में 111 का गुणा करते हैं तो 12321 आता है। तो यहाँ चीजें समझना यार, जब 1 में 1 का गुणा करते हैं तो फाइनली 1 आता है, 11 में जब 11 का गुणा करते हैं तो आता है 121। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि देखो यार 2 बार 1 1 है, तो 1 से लेकर 2 तक गिनती लिखी और रिपीट लिख दी, मतलब 111 का 111 में जब गुणा करेंगे तो कितने बार 1 है 3 बार, तो हम 3 तक गिनती लिख दो, 1 2 3, और फिर रिपीट वापस से कर दो यहाँ 2 1। ठीक है, ये गुणा होगा। वैसे हमारे पास 1 2 3 4, जब 4 बार 1 और 4 बार 1 है, इनका गुणा करेंगे तो टोटल कितने बार 1 आए हैं 4 बार, तो 4 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4, फिर वापस से कर दो 3 2 1, मतलब इनका जब गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तो फिर यहाँ देख लो 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, 1 2 3 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चाहो तो आप इसका मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, परंतु ये एक ट्रिक है जो कि आपको 7th या 6th क्लास में मिल जाएगी, तो वहां से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और जो आया था ये 2012 में सीटेट के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56वां कि गुणनफल 140 गुणा 111, ठीक है, 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे 14,414 प्राप्त हो। तो यार देखो उसने ये बोला है कि यार 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए कि हमको मिलेगा कितना 1414,
414 ये मिलेगा। तो डायरेक्टली उसने बोला है कि 140 में जब 101 का गुणा करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ेंगे तब हमको 14,414 आएगा। तो हमने कर लिया यार, इन दोनों का गुणा करा। अब जब इसका गुणा करेंगे अपन तो गुणा टोटल आ रहा होगा, तो आपने आई होप गुणा करके देखा होगा। तो जब गुणा आप देखो, वीडियो पोस्ट करके जरूर सॉल्व करिएगा, जब गुणा करोगे तो 14140 आएगा और प्लस कितना हमारे पास x बराबर से कितना है 14414। अब यार ये प्लस की राशि का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, मतलब x बराबर से 14414 माइनस का कितना हो जाएगा 1414 और 0। तो यार चार में से जब 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना 11, और जब 11 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा तो 7, यहाँ बचा है कितना 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, मतलब आएगा फाइनली आंसर 274, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चाहो तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपसे हर एक क्वेश्चन जरूर बन रहा होगा, क्योंकि उतने टफ नहीं है, परंतु प्रैक्टिस की आवश्यकता जरूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57वां कि 2/3 में कितने 1/6। तो यार अब भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा है कि 2/3 में कितने 1/6, तो मैंने ये कहा है कि 2/3 में भाग दे दो, किसका 1/6 का। तो आगे आएगा यार 2/3, जब दो भिन्नों का आपस में भाग दे रहे हो तो बटे वाली संख्या को पलटा देते हैं, मतलब हो कितना जाएगा 6/1 और गुणा कर देते। तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 2 6, तो 2 2 कितना जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। हम ये बोल सकते कि 2/3 में कितने 1/6 है, तो 4 1/6 समाहित है किसके अंदर 1/2 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58वां, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व करें। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 48 है, ठीक है। अब देखो उनने क्या बोला कि दो प्राकृत संख्या उनका योगफल कितना है 48 है हमारे पास। तो यार एक संख्या को मैं मान लू ए और दूसरी संख्या को मान लू बी, और उनका योग कितना है 48 है, तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं हो सकता। तो देखो यार इन दोनों संख्या का योग तो 48 है, तो इन दोनों का जो अनुपात है, मतलब ए अनुपात बी, वो इन चार ऑप्शन में से क्या नहीं हो सकता। तो अगर मान लो यार 3:5 आंसर होता, तो 5 और 3 कितना होता 8, इसका मतलब 8 से इसमें भाग जाना चाहिए, तो 8 से इसमें भाग जा रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है, मतलब ये अनुपात हो सकता है, ये सही है। अगला अनुपात हमारे पास है कितना 5:7, और 7 × 5 कितना होता है 12। अगर 48 को 12 से भाग दे और भाग अगर चला जा रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है, मतलब ये अनुपात हो सकता है। अगला 2:6 है, तो देखो 2 और 6 कितना हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 8, और 48 को आप 8 से भी भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, परंतु जब 2:5 है, इससे अगर आप 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, मतलब 48 को जब 7 से भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा। तो उसने यही बोला है कि उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता 2:5। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जिन संख्याओं से भाग देना होता है उन अनुपातों के योग से पहले भाग दे दो दी गई संख्या को, और जिससे भाग जा रहा है तो उससे भाग जाएगा, और जिससे भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब वो अनुपात कदापि नहीं हो सकता। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे और आपको ये सारी चीजें आती होगी। क्वेश्चन नंबर 59वां, ठीक है। तो देखो यार n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन सा सम पूर्णांक है। तो देखो यार इस प्रकार के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा, आइडेंटिटी नामक चीज आपने पढ़ी होगी कि n के विषम पूर्णांक, मतलब n का मान बोल रहा है विषम है, जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से है, होने पर निम्नवत संख्याओं में से कौन एक सम पूर्णांक है। क्या ये पहला सम है, या ये सम है, या ये सम है, या ये सम है, जब n का मान आप एक विषम रखो। तो अगर पहले ऑप्शन में देखो यार, मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं कि हमारे पास दे रखा है कि कितना 3n-8, ठीक है। आप भी सॉल्व करिएगा साथ साथ। 3 में जब अगर हम n का मान मान लो यार 5 है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि दिक्कत ना हो। अगर यहाँ 5 लिखते तो 5 × 3 = 15 माइनस कितना हो जाता 8, तो 15 में से जब 8 घटाते तो मिलता कितना 7, और उसने बोला कि कौन सा सम पूर्णांक है। तो ये तो सम हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ गई विषम।
वहीं एन की वैल्यू अगर हम सेकेंड ऑप्शन में रखते 5n² - 4, तो 5 का 5, एन का मान हमने कितना मान लिया है और यहाँ पर ये 5 मान लिया, तो यहाँ जब 5 लिखेंगे तो 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25 - 4, 25 पंचे 100, 25 - 4 करेंगे तो आएगा 121, तो ये भी एक विषम संख्या प्राप्त हो रही, मतलब ये भी विषम है। थर्ड ऑप्शन उठाते हैं हम, तो यहाँ 3n² प्लस कितना है हमारे पास 5 है, तो 3 का 3, n का मान हमने माना कितना 5, तो 5 का वर्ग 25 प्लस कितना कर देंगे 5, तो 25 + 75 प्लस 5 जब करेंगे तो फाइनली आ कितना जाएगा 80। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें जब n का मान हम लिख रहे हैं 5 तो उसमें एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि आप n का मान 5 ही लिखो, चाहो तो आप 3 लिख के देख लो। अगर जब आप 3 भी लिखोगे ना, जैसे यहां पर 3 लिखोगे तो 3 का 3 और n का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस 5, तो 3 3 का 9 और 5 कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 9 और 3 हो जाएगा 12, ठीक है, सॉरी 3 3 का 9 और 9 3 हो जाएगा 27 और 27 में जब आप जोड़ोगे 5 तो आ जाएगा यार कितना 32। मतलब n की वैल्यू यहां पर आप कुछ भी रख लो ऑप्शन नंबर थर्ड में, हर एक संख्या क्या मिलेगी, एक सम संख्या ही मिलेगी। आई होप आप चीजें समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60वां। तो देखो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि करणी 7 + करणी 6 कोष्टक बन, करणी 7 - करणी 6 प्लस 200 का मान बताओ। तो यार देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, जब इन दोनों का गुणा होता है तो फाइनली रिजल्ट मिलता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पर जब करणी 7 + करणी 6 और करणी 7 - करणी 6 का जब फाइनली सॉल्व करोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि करणी 7 का वर्ग - करणी 6 का वर्ग मिलेगा। तो करणी 7 के वर्ग में से 7 बाहर आएगा और 6 के वर्ग में से कितना बाहर आएगा, तो 6 बाहर आएगा। तो 7 में से जब 6 घटाओगे तो बचेगा 1 और प्लस में आपको क्या दे रखा है 200, तो प्लस में दे रखा है कितना 200। तो जब 200 में 1 जोड़ोगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 201 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सारी चीजें आप समझ रहे होंगे कि हम इसको फॉर्मूले, चाहो तो आप एक स्टेप में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, परंतु हम सारे स्टूडेंटों को लेकर चलते हुए उस हिसाब से कर रहे हैं कि यार किसी को प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करिए कि अगर आप नोट्स बना सकते हैं, आपके पास अगर कोई ऐसी बुक्स नहीं है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। और ये सीरीज हम आगे कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं हो जाता, क्योंकि यार हमारे साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि टाइपिंग हो नहीं पा रही है, जिसके कारण हमें सारी चीजें करानी पड़ रही है। तो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि यदि 3 + करणी 7 / 3 - 4 करणी 7 = c + d, c + d7 हो तो c + d का मान ज्ञात करो। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट में। देखो यार यदि आपकी स्कूलिंग अच्छी रही होगी, मतलब जिस भी स्कूल से आप पढ़े अगर स्कूलिंग अच्छी रही होगी, तो ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। मतलब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 3 + करणी 7 / कितना दे रखा है हमारे पास 3 - 4 करणी 7 = c + d करणी 7। लेफ्ट हैंड साइड दिया है, इसमें हर का परिमेयकरण करना है सबसे पहले कि 3 + करणी 7 दिया है, और हर का परिमेयकरण आप जानते होंगे यहाँ पर 3 - 4 करणी 7 है। हर का परिमेयकरण करते तो ये चिन्ह जो माइनस है वो प्लस का हो जाता है, मतलब 3 + 4 करणी 7 और अंश में भी हर में भी आ जाएगा 3 + 4 करणी 7 बराबर से हमारे पास है कितना c + d√7। अगली स्टेप सॉल्व करेंगे तो यार इनका आपस में गुणा करना है, मतलब 3 का गुणा जब 3 में होगा तो अंश में 9 आ जाएगा, प्लस जब 3 का गुणा 4 में होगा तो कितना आ जाएगा 12 + 4 = 12 करणी 7, फिर करणी 7 का 3 में होगा तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि आ जाएगा कितना 3 करणी 7, और जब करणी 7 का इसमें गुणा होगा तो 7 * 6 कितना हो जाएगा 28। इसके बटे में जब हम बटे वाली संख्या सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो यार ये a का काम करेगा और ये किसका काम करेगा b का, तो a माइनस b और a प्लस b, तो a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9 माइनस यहाँ पर 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 16 * 7 = 112 आ जाएगा, ठीक है 112। अगली स्टेप अगर हम यही देखें तो इधर हमारे पास चल रहा है क्या c + d√7। यहां पर देखो यार हम संख्या में संख्या जोड़ देंगे तो 9 में जब 28 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 37, और जब 3 और 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 15 करणी में कितना 7, और बटे में
112 में से जब आप 9 घटा रहे होंगे, तो 112 में से 9 घटाएंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा कितना, माइनस का 103 बराबर से कितना है यार, सी प्लस डी और अंडर रूट 7। हम इसको 37 अपॉन माइनस यहां लगा देते हैं 103 लिख सकते हैं, और माइनस एक कितना 15 करनी 7 बटे में कितना लिख सकते हैं 103। ठीक है, बराबर से हमारे पास है सी प्लस डी अंडर रूट 7। तो यार ये संख्या को जब इससे कंपेयर करेंगे तो जो सी का मान आ रहा होगा हमारे पास आ जा रहा होगा कितना, 37 अपॉन कितना 103 और ओबी का है का माइनस का, वहीं पर डी का माना जा रहा होगा 15 करनी 7 और बटे में कितना 103 और ये भी का है का माइनस का, ये सी का मान आ गया और ये डी का मान आ गया। पूछा है कि सी प्लस डी का मान बताओ, तो सी का मान है माइनस 37 अपॉन, सॉरी देखो यहां पर यार ये डी के साथ कितना है करनी 7 है, तो यहां पर जो डी के साथ था करनी 7 और डी था, तो करनी 7 से करनी 7 कट जाएगा, तो जो फाइनली इसकी वैल्यू आ रही होगी ना डी की, वो आ रही होगी माइनस 15 बटे कितना 103। अगले स्टेप सॉल्व करेंगे, उसने पूछा सी प्लस डी बचाओ, तो जो सी की वैल्यू है तो 37 बटे 103 आ जाएगा और डी की वैल्यू ये है हमारे पास माइनस कितनी 15 बटे 103, तो यार एलसीएम तो आ जाएगा 103 और अंश में है कितना माइनस 37 और माइनस 15, जब जोड़ोगे तो यार 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 बचेगा कितना 1, 1 और 1 2, 2 और 3 कितना 5, तो माइनस 52 बटे कितना 103 ये हो रहा होगा हमारा आंसर। देख लेते हैं यार किस ऑप्शन में है माइनस 52 अपॉन 103, तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ चुका है, मतलब आपको इस पे विशेष फोकस करते हुए सॉल्व करना है क्योंकि ठीक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इनमें सारी चीजें इसी से ही रिपीट होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यार देखो बोला किसी संख्या, जब भी गणित में इस प्रकार की बात होती है आधी अधूरी किसी संख्या, तो किसी संख्या को तो हमको पता ही नहीं, तो किसी संख्या को एक्स मान लो। किसी संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा कितना परसेंट 16%, तो 16 का 16% हटाएंगे तो बटे में 100। जब 21 से जोड़ा जाए तो इसमें कितना जोड़ दें 21, तो बोला है तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, मतलब किसके बराबर प्राप्त होता है x के बराबर। इसे अगर हम सॉल्व करें तो यार जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से काट देंगे तो 4 चौक 16 और यहाँ कितना जाएगा 25, और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो बच गया 21 बराबर से, यहाँ जाएगा x माइनस 4x बटे में कितना आ जाएगा 25, और आगे सॉल्व करेंगे तो यार 21 बराबर से, जब 25 का x में गुणा करेंगे तो 25x माइनस में 4x और इसी के बटे में कितना चल रहा है पूरे के बटे में, तो पूरे के बटे में चल रहा है यार 25, और आगे सॉल्व करेंगे तो 21 बराबर से 25 में से 4x से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यार 21x और बटे में कितना हमारे पास 25, 21 से 21 कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो x की वैल्यू तो उसने बोला तो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी यार 25, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे आधे घंटे का हमने बोला था कि आधे घंटे का लेक्चर बनाएंगे, उससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और वो सही भी रहेगा एक लिमिटेड टाइम का लेक्चर। तो यार ऐसा कुछ करते हैं कि आज के लेक्चर में तो हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। कोशिश करिए यार कि लेक्चर कैसा लगा ये आप जरूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन जरूर चाहिए मुझे कि ये सीरीज आगे करें या ना करें, और करें तो हमें कितने और क्वेश्चन लेने चाहिए, या कितने मिनट का लेक्चर आप पढ़ सकते हैं, 40 मिनट 50 मिनट या घंटे भर का भी, जिससे आपका मैक्सिमम फायदा हो। ठीक है, और ये जो सीरीज रहेगी इसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे, जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन पेपर आते हैं उन सारी चीजों को। ठीक है, तो यार लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जहां भी ये सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।